Assalamualaikum guys, we are back to another vlog. Welcome to my YouTube channel, welcome to another beautiful day and welcome to another beautiful vlog. तो देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब करते जाएं, press the bell icon ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो से आप अपडेट रह सकें एंड लाइक्स एंड कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। तो यार आज की व्लॉग वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो जी मेरे साथ साथ रहना। तुम लोगों को आज एक चीज़ दिखाने वाली मैं, आई माई गॉड यार आज फिर मौसम हो गया है सुहाना, ये मौसम इतना सुहाना हो गया है। तो यार तुम लोगों को आज मैं एक बड़ी चीज़ बताने वाली हूँ। तुम लोगों को तो ये पता ही है ना कि कल मेरी मुझे चोट लग गई थी, और पहले तुम लोगों को बता दूँ ये चोट देखें आज फिर। ओके जी, तो मैं ये कह रही यार ये देखो ये मुझे चोट लगी थी कल, तो आज फिर यहाँ से मुझे ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। मैं चेयर पे बैठ रही थी और चेयर मुझे ऐसे ऐसे बैठी ना, ऐसे पकड़ा तो चेयर मुझे लग गई। फिर वहाँ से मम्मा ने कहा कि बैंडी जब ना उतारना, और अभी भी मैं उतारी है। तो मैंने कहा कि भई अब मुझे ठीक हो गया है कुछ कुछ, तो मैं जो है अब नहीं करूँ। तो चलें जी यार आपको एक मैं चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ रहना है ठीक है। और यार तुम लोग देखो ये देखो अपनी प्यारी सी की उसी बहना की कारिस्तानी है। ये आप लोग सोच रहे होगा कि यार ये पिंक पिंक क्यों हुई हुई है, तो यार ये देखो दिस वन। यार उस दिन हुआ पता क्या था, ये मैंने बॉम्ब जो है ना इसको मैंने ना चलाना था, तो मैं पता जब घर पे बैठ के वीडियो बना रही थी ना, तो मैंने ना इसको ऊपर से चलाया, तो यहाँ पर ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी ठीक है, उसकी वजह से ना वो ऊपर से चल नहीं था रहा। तो मैंने कहा शायद ख़राब है ठीक है, मैं एक और लेकर आई ठीक है, वो भी मैंने वो बिन में फेंक दिया था मैंने, इसी तरह बिल्कुल हुआ। फिर मैंने अंदर से फाड़ कर फिर मैंने कहा कि इसके अंदर ना वो लाइक मुझे लगा कि वो जो बारूद होता है ना वो होगा। मैंने फिर इसको ना इस ज़मीन लाइक इधर इधर मैंने डाला था, फिर मैंने डाला लाइक वो उसको लाइटर से वो फायर लगाई ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना वो बिल्कुल भी वो नया है कोई भी नहीं है अच्छा यार, तो फिर भी ना वो बिल्कुल भी लाइक वो नहीं था हुआ, यू नो आने नहीं था हुआ। फिर मुझे जो है मैंने इसको ऐसे करके हाँ माय गॉड फेंक दिया यार यार, ये देखो यार मेरा प्यारा सा एक सा क्यूट सा है यार, मेरा पैरेट मर गया है, इसको पता नहीं क्या हुआ है, सर्दी की वजह से पता नहीं क्या हुआ है यार स्कूल से पैरेट यार, ये देखो आई अल्लाह जी यार इसको पता नहीं क्या हुआ है, आई अल्लाह जी इसको मिट्टी में डाल दिया था भाई ने आई गैस, सो ये इसको सर्दी की वजह से ना मर गया था यार, ये भी मर गया। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे पास बटेर थे और वो भी मर गए थे, पता नहीं क्या हुआ है। तो यार इसको पकड़ कर ना हम थोड़ा सा मिट्टी में ले जाते हैं, इसको पकड़ते हैं, मैं यहाँ से पकड़ूंगी भी मुझे थोड़ा सा ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसको देख के आप लोगों को भी हो रहा है ना आई नो यार, इतना कि ऊर्सा प्यारा था इसका कलर यार, बस देखो इतने प्यारे थे ये, बहुत प्यारा मेरा प्यारा था। तो उस दिन की मैं इतनी दुखी थी, और एक और ये मारी गया तो मेरे भाई ने ना इधर रख दिया है, क्योंकि उसको पता है कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होना है, तो उसने फिर मुझे भी नहीं बताया था इसको, वैसे उसने मुझे कहा था लेकिन मैंने देखा ही नहीं था, तो इसको पता नहीं क्या हो गया यार। इसको पकड़ते हैं हम ऐसे करते हैं, तो उसको ना वो मिट्टी में रख देते हैं ठीक है, फिर मैं इसको ना इससे पकड़ूँगी, एक मैं लेती हूँ लीफ, ये देखो यार इसको ऐसे पकड़ते हैं हम लोग ठीक है। तो इसको जो है ना यार ये अगर मैं सबको दिखाऊं जाकर, मामा जी पता नहीं क्या हो गया मेरे पैरेट को लेकिन फिर मुझे इसको कुछ होगा तो मुझे फिर हमें नहीं, ये तो मर गया, फिर मैं इसको लेके जाऊंगी, इसको दर्द नहीं होगा। फिर मैं इसको ना ऐसे करती हूँ मिट्टी के अंदर ले रख देती हूँ, मिट्टी में कर देखते हैं कोई अच्छी वाली जगह मिलती है ना उसमें फेंक देते हैं इसको ठीक है। यार ये देखो इधर मट्टी नज़र तो आ रही है मुझे यार, इतना क्यूट था यार, ये कलर चेक करो पता नहीं क्या हुआ इसको मेरा पारा क्या पैर था और बाकी मुझे लगता है मुझे नज़र नहीं थी आ रही पैरेट वो क्या है अल्लाह जी, वो कुछ ना ऐसा हो नहीं कुछ नहीं होगा इस यार, ये देखो इसके पैर, इसको पता नहीं क्या हुआ था, इसको मैं पकड़ के ना, अच्छा यार मैं ये कह रही हूँ कि यार इसको पकड़ कर ना ठीक है मैं मिट्टी में ही रख देती हूँ, तो इसको उस तरफ फेंक देते हैं हम ठीक है, लाइक इस तरफ से मैं जाती हूँ। देखो यार इसके पंख पता नहीं कब पर हुआ है, सर्दी इसको लग रही हो नहीं इतनी ज़्यादा,
ठीक है। तो यार ये तुम लोगों देख रहे हो, मैं यहाँ पर पहन दिया इसको, ठीक है। ये देखो, बाकी अब मुझे नहीं पता है इसको मैं क्या करूँ, पता नहीं। भाई ने उस दिन जो दूसरा कहा था शायद वो ग्रीन वाला था, तो उसको पता नहीं, भाई नहीं थी आ गया, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं अब इसको ये पता नहीं किस तरह इधर आया, ये मुझे पता भी नहीं चल रहा है। मैं वैसे फ़ोन करके भाई से पूछती हूँ कि इसको पता नहीं क्या हुआ है। और इसको मैंने वैसे इधर रख दिया है, ठीक है। अब तुम लोग देख सकते हो यार ये मैंने रखा है, ठीक है। तो अब मैं जो है ना इसको मैं पता क्या करती हूँ, अभी मुझे हैंड हो गया गंदे, तो मैं अंदर जाती हूँ, फिर मैं हैंड धोती हूँ और मैं अंदर सबको बताती हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बाकी पैरेट देखो यार, यार बाकी पैरेट्स देखते हैं। चू 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 चू, मुझे पैरेट्स ही नहीं नज़र आ रही गाइस। आई गेस तो कि यहाँ पर ना सर्दी होती है, यू नो ये खुला है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये शेड लगाई थी भाई ने आगे ये वाली, लेकिन वो ना हवा ज़्यादा तेज़ हो या बारिश वगैरह हो ना वो उतर जाती है। वैसे पहले ना वो ग्रीन वाला जो होता है ना ऊपर लगाया हुआ था, लेकिन वो भी इतनी तेज़ मतलब हवा चली थी कि वो भी उतर गया था, पता नहीं किस वजह से। लेकिन अब इस तरह से है कि मैं ना मुझे लगता है, अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो है ना वो उठा कर ना दूसरे वाले पिंजरे में ले गया होगा, और वो ना छत पर है। तो मैं जब छत पर चाहूँगी ना फिर तुम लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। और अब ये मेरा, मैंने मास्क को हैंड लगाया तो मेरा मास्क भी जो है ना वो गंदा हो गया, लगाया मैंने थोड़ा सा ही है। तो मैं अभी व्लॉग बना करना मास्क भी चेंज करती हूँ। यार वो पता नहीं आज क्या हो गया, ये देखो ये पीछे ना मोटर की आवाज़ है, तो आप लोगों ने डरना वरना नहीं है किसकी आवाज़ है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यार। वो देखो मेरा येलो वाले पैरेट का कुछ नज़र आ रहा है यार, वो देखो मोटर के पास मेरे येलो वाले पैरेट का। ओह माय गॉड यार पता नहीं क्या हुआ, ये तो उस तरह के नज़र आ रहे हैं मुझे, जिस तरह कैट आती है वो जल्दी जल्दी लेती जाती है। मुझे पैरेट्स पता नहीं क्या हुआ मेरे पैरेट्स को, इधर शायद कहीं पर हो, हम ढूंढते हैं भाई रात पिंजरे के नीचे देखते हैं कुछ। पता नहीं क्या हुआ, ये देखो यार इसकी वो पड़ी हुई है, इसका ये भी बाहर पड़ा हुआ है। और यार मुझे नहीं पता, दुख और है मुझे, मेरा पैरेट था। आप लोगों के एक मैं बात बताऊँ, मेरे पास ना ग्रीन कलर वाला भी पैरेट है, मेरे पास ना वन था, ठीक है, गानी वाला था, ठीक है। फिर उस वाले, हाँ तुम्हें आओ एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो मुझे इतना दुख हो रहा है, ये देखो तुम्हें इसको भी दिखाते हैं मर गया गुरु, ये देखो इतना प्यारा पैरेट था। मैंने पीछे पकड़ लिया इसको दिखाने के लिए, भाई अल्लाह माय गॉड मुझे हार्ट अटैक, या मिनी हार्ट अटैक आने लगा यार। मैं फिर से इसको घड़ाया इधर, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे मिनी हार्ट अटैक। मैं एक और पैरेट को क्या हो गया, इसको क्या हो गया अब, ये मुझे लगता है बिल्ली ने तो नहीं पकड़े हैं, फिर रास्ते में तो नहीं थे ना रखने। गाइस ये देखें एक फोन मुझे मिला, इसको मैं पकड़ती हूँ यहाँ से। भाई अल्लाह जी मम्मा जी मुझे डर भी लग रहा है, डर ये चीज़ लग रहा है कि मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है। गाइस ये देखें ये मेरे टू पैरेट हैं, ये मुझे मिले हैं उधर, पता है ना ये येलो कलर के पैरेट के भी उधर पड़ी हुई है यार, ये मेरे टू पैरेट्स हैं, इसको पता नहीं क्या हुआ है। मैं इसको क्या करूँ, पैरेट पैरेट मेरे पारे पैरेट यार, ये टू पैरेट थे दोनों सेम कलर के हैं। माय गॉड इतनी खुशी मैं आई थी, मैंने कहा था कि मैं साथ, मैंने आपको बताया और मैं व्लॉग बनाना आई थी, लेकिन मैं आप क्या करूँ, और कहीं पे देखते हैं और तो नहीं पैरेट है कहीं पर।
टू पैरेट मुझे मिल गए हैं। मुझे लगा शायद इसके एक वो येलो कलर के पैरेट का भी मैंने आपको आप लोगों को दिखाया, पता नहीं क्या होता जा रहा है पैरेट को। और मैं देख रही हूँ कोई और तो नहीं है पैरेट। ओके गाइस कोई नहीं, अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था इसलिए पता नहीं क्या हो गया उनको। मैं इसकी कंफर्मेशन करती हूँ, ठीक है। मैं भाई को कॉल करके ना उससे पूछती हूँ क्योंकि वो घर नहीं है अभी। और तुम लोग कभी मे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना कर रही यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे मैं सैड हो गई हूँ। और सब्सक्राइब करते साथ ना बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनसे आप अपडेट रह सकोगे डेली व्लॉगिंग कॉन्टेंट के लिए। अल्लाह जी मुझे धन क्या हुआ है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी बताया प्रेस कर दो और लाइक एंड कमेंट करना भी यार मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अपने अनदर अमेजिंग व्लॉग के साथ। और यार मेरे हैंड्स के लिए हैंड्स कह रही हूँ, मेरे पेरेंट्स हैंड्स वगैरह यार इन चीज़ों का मुझे भी बहुत शौक है, मेरे भाई को भी बहुत शौक है। तो इस वजह से ना ये चीज़ें हम लोगों ने रखी हुई हैं। तो आई लव इवन दो कि मेरे ये चीज़ें मुझे ना बहुत पसंद है। तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं अपने किसी अनदर अमेजिंग व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।